वेलकम दोस्तों, सभी का हमारे YouTube चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे। मैं बात करूंगा 207 एमए एक्ट में अगर किसी की मोटरसाइकिल हो या फोर व्हीलर हो या कार हो, अगर पुलिस द्वारा सीज कर ली जाती है या पकड़ ली जाती है, तो आप दोस्तों उसे किस प्रकार से छुड़ा सकते हैं, क्या है प्रोसेस छुड़ाने का, किस प्रकार से रिलीज करवा सकते हैं आप, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे। अगर आप हमारे चैनल पे प्लीज नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो बात करते हैं 207 एमए एक्ट में अगर किसी भी व्यक्ति की, किसी भी मित्र की गाड़ी पकड़ ली जाती है तो उसे किस प्रकार से रिलीज करा सकते हैं, किस प्रकार से छुड़ा सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में अंत तक देखें, पूरा प्रोसेस जाने कि किस प्रकार से आप अपनी गाड़ी को छुड़ा सकते हैं। लेकिन 207 एमए एक्ट में किस प्रकार के क्राइम में जब्त की जाती है, ये भी आप समझ लीजिए। मान लो दोस्तों आप किसी भी मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे, फोर व्हीलर पे सवार होके जा रहे हो, मोटरसाइकिल पे जा रहे हो तो आपके पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही है, तो वहां पर आपके हेलमेट नहीं है, अभी नया कानून बन गया राजस्थान में मास्क नहीं है, क्योंकि आप हेलमेट है, मास्क है, लेकिन उसके बावजूद अगर पुलिस चेकिंग में आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आरसी नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, तो उसमें भी आपकी गाड़ी 207 एमए एक्ट में जब्त कर ली जाती है। क्योंकि 207 एमए एक्ट में इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से अगर आपके पास एक भी चीज नहीं है तो 207 एमए एक्ट में पुलिस द्वारा जब्त कर ली जाती है। मान लो इसी प्रकार आप फोर व्हीलर से सेल कर रहे हो, फोर व्हीलर से जा रहे हो, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट जैसे पॉल्यूशन कार्ड, आरसी, इंश्योरेंस प्लस सीट बेल्ट आप लगा के ड्राइविंग नहीं कर रहे हो, तो पुलिस की चेकिंग व्यवस्था में या चेकिंग करते हैं तो उसमें अगर आप डिफॉल्टर पाए जाते हो, आपके पास ये सारी चीजें उपलब्ध नहीं है, तो उसमें आपकी गाड़ी 207 एमए एक्ट में भी जब्त कर ली जाती है। 207 एमए एक्ट में बहुत सारे पावर्स पुलिस को दिए गए हैं, जिनमें इनमें से एक भी साथ साथ अगर आपकी गाड़ी के आगे जो भी लाइट है आदि ब्लैक नहीं है, तो उसमें भी आपके 207 एमए एक्ट में जब्त कर ली जाती है। बड़े बड़े सिटी में अगर आपकी गाड़ी चलाते वक्त आपकी लाइट ज्यादा पोक्स ज्यादा जल रही है, अलग अलग प्रकार के कानून है, इस प्रकार में 207 एमए एक्ट में पुलिस जब्त कर ली जाती है। लेकिन मान लो जब्त तो कर ली पुलिस ने, लेकिन आप उसे छुड़ा कैसे पाओगे, क्योंकि पुलिस भी आपकी गाड़ी छोड़ सकती है, लेकिन पुलिस द्वारा जुर्माना आपको थाने में, संबंधित थाने में जमा कराना पड़ेगा। लेकिन आजकल ये प्रोसेस है कि अगर आपकी गाड़ी 207 एमए एक्ट में जब्त कर ली गई है तो आपको कोर्ट द्वारा ही गाड़ी को सुपुर्दगी दी जाएगी, कोर्ट द्वारा ही रिलीज की जाएगी, क्योंकि पुलिस द्वारा 207 एमए एक्ट में अगर आपकी गाड़ी को सीज किया है तो आप जो भी संबंधित कोर्ट है वहां पर आप किसी भी वकील के माध्यम से आपकी गाड़ी के रिलीज के लिए एक प्रार्थना पत्र पेश किए, उस प्रार्थना पत्र में कोर्ट नेक्स्ट डेट को डायरी कॉल करती है, या संबंधित जो भी आपके 207 एमए एक्ट में आपकी गाड़ी जब्त की उससे संबंधित कागज थाने से मंगाए जाते हैं, उसमें क्या क्या कमी है, किस को लेकर आपकी गाड़ी सीज की है। मान लो आपके पास संपूर्ण कागजात है, संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, तो कोर्ट आपको जुर्म या जुर्माना नहीं करेगी, लेकिन कोर्ट में आपको रिलीफ मिलती है कि पुलिस में चौगुना जुर्माना जमा करा के आपको गाड़ी छुड़ाई जा सकती है। लेकिन मान लो आपके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, इस सारी चीजें कोर्ट में आपको रिलीफ मिल सकती है, लेकिन जो मोटर व्हीकल एक्ट अभी जो नया लगा है उसमें आपको भारी नुकसान हो सकता है, भारी जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों कोर्ट द्वारा सारी चीजें देखने के बाद कोर्ट संतुष्ट होती है कि वास्तव में यही आरसी मालिक है, यही गाड़ी मालिक है, तो उसे ही कोर्ट सुपुर्द की दी जाती है। जो भी आपकी कमी है, इंश्योरेंस नहीं है, आरसी नहीं है, तो कोर्ट उस पर जुर्माना कर देती है, लेकिन आपको वहां कोर्ट में दिखाना पड़ेगा कि ये मैं मालिक हूं, ये मैं आरसी होल्डर हूं। सारी चीजें आपको देखने के बाद ही कोर्ट आपकी गाड़ी को रिलीज कर सकती है या रिलीज ऑर्डर दे सकती है। इसलिए दोस्तों कभी भी आप कहीं भी सवारी करें, ड्राइंग करें, तो ये सारी चीजें आपके साथ होनी चाहिए। इसी प्रकार से नए नए वीडियो देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार के कानून से संबंधित जो भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।